नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे व्हाई बी नेगेटिव व्हेन वी कैन पॉजिटिव। तो हम नेगेटिव क्यों हों जब हम पॉजिटिव रह सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या पॉजिटिव जो थॉट है हमारे लिए क्या काम कर सकते हैं। देखिए, चाहे पॉजिटिव सोच हो चाहे नेगेटिव सोच है, दिमाग की आपके हैं, आपने उनको सोचा है, आप ही सोच रहे हैं। आप किसी भी सोच को पकड़ कर बैठ जाते हैं, अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं, पॉजिटिव है उसकी तरफ आप कम रह पाते हैं। ऐसा डेली आप देख सकते हैं अपने दिमाग के साथ। ये दिमाग का जो कुछ हिस्सा है वो बचपन से हमारा ये इसके अंदर डाला गया है कि जो नेगेटिव चीजें हैं उनको पकड़ने की ताकत हमारी ज्यादा है अगर हम कंपेयर करें पॉजिटिव चीजों से। तो देखिए, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों ही जो चीजें हैं हमारी सेम एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। आप नेगेटिव सोचते हैं तो उसके अंदर भी एनर्जी कंज्यूम होती है, पॉजिटिव सोचते हैं उसके अंदर भी एनर्जी कंज्यूम होती है। तो लेकिन जो फर्क है वो इनके अंदर काफी ज्यादा है। जो नेगेटिव चीजें हैं वो आपको अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट करती रहती हैं, आपको डराती रहती हैं, आपको भविष्य की सोच दिखा के डराती हैं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं आप फेल हो जाएंगे, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं आपको निकाल दिया जाएगा, अगर कोई आप बिजनेस कर रहे हैं ये चलेगा नहीं। दिमाग के अंदर इतनी नेगेटिविटी है कि आप उसको स्टार्ट किए बिना ही दिमाग में फेल कर देते हैं। वहीं अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं कि अगर आप कुछ काम करते हैं तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, आप किस तरह से उसको बढ़ा सकते हैं, किस तरह से अपने अंदर निखार ला सकते हैं, अपने बिहेवियर को कैसे सुधार सकते हैं, इन चीजों को अगर हम सोचना स्टार्ट करें तो हम अपने डेली लाइफ के अंदर सुधार कर सकते हैं, जिससे हमारा जो फ्यूचर है ऑटोमेटिकली वो भी बदल जाएगा। तो इसलिए नेगेटिव और पॉजिटिव सोच की बात नहीं है, बात है एनर्जी की। अगर आप कंज्यूम करते हैं नेगेटिव की तरफ तो नेगेटिव आपको रिजल्ट मिलेंगे, ये तो डेफिनेटली है। इसी तरह से अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव की तरफ काम करते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, सोच का हमारी जिंदगी के ऊपर काफी महत्व होता है। अब अगर आप नेगेटिव सोचते रहते हैं तो जो आप काम कर रहे हैं उसके अंदर आपका मन नहीं लगता, मन नहीं लगता तो आप काम कहीं ना कहीं वो गलत कर बैठते हैं या उसको पूरा अपना बेस्ट नहीं दे पाते, जिससे क्या है आपको खुद ही महसूस होता है कि आपने वो काम जो है अच्छा नहीं किया है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो अगर आप जो काम करना भी नहीं चाहते उसको भी काफी अच्छे ढंग से कर बैठते हैं, उससे क्या होता है कि जो आपकी आदतें हैं वो निखर जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आप पॉजिटिव काम करते रहते हैं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, अगर आप पॉजिटिव काम करते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं तो डेली आपके अंदर जो आदतें हैं वो बन जाती हैं। वो आपकी, ऐसा नहीं है कि आप जहाँ जॉब कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल होंगी, वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। जब आप आदत बना लेते हैं काम करने की, आपने आदत बना ली, चाहे आप जॉब कर रहे हो चाहे बिजनेस कर रहे हो, तो उसके अंदर आप अपना पूरा टाइम लगाते हैं, काम करते हैं, आपकी आदत अच्छी हो जाती है। अगर आप किसी जॉब करते हैं लेकिन वहाँ काम नहीं करते तो आपकी आदत ही बन जाती है कि काम करना ही नहीं है, आपको इसी तरह की जॉब की तलाश रहती है या इसी तरह के काम की तलाश रहती है जिसमें काम करना ही नहीं है। तो इस तरह से आपकी जो जिंदगी है पूरी बदल जाती है सिर्फ एक आदत से। तो इसलिए जो सोच है, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तो वो आपकी आदत बना देती है और ये आदत आपके भविष्य के अंदर बदलाव लाती है। क्यों? क्योंकि जो भविष्य है वो वर्तमान से हम बनाते हैं। अगर आज आपके अंदर अच्छी आदतें हैं, आप सुबह जल्दी उठते हैं, काम करते हैं अपने लक्ष्य के लिए और टाइम निकालते हैं अपने लक्ष्य के लिए, चाहे आप कुछ भी आपके पास परिस्थितियां हैं, बुरा समय है, तो डेफिनेट है कि आप उन परिस्थितियों से बाहर निकलेंगे। इसके अंदर आप कुछ सोच ही नहीं सकते गलत की नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर आप अपनी परिस्थितियों को ही ब्लेम करते रहते हैं, लोगों को ब्लेम करते रहते हैं, सोसाइटी को ब्लेम करते रहते हैं, तो आप उसी परिस्थिति में फंसे रहेंगे, बुरे समय में ही परिस्थिति में फंसे रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने तो उसके लिए कुछ काम किया ही नहीं है, आपने हमेशा नेगेटिव सोचा है और नेगेटिव सोचने की वजह से आपने काम किया नहीं और आप उस परिस्थिति से निकल नहीं सकते। देखिए, कोई चमत्कार की उम्मीद मत कीजिए अगर आप मेहनत नहीं कर सकते। अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो आप चमत्कार की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि मेहनत करने से जो आप काम करते हैं, अपने लिए काम करते हैं, आप आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं, आप अपने अंदर सुधार लाते हैं, हिम्मत से मुश्किलों से लड़ते हैं, बुरा समय है चाहे परिस्थितियां हैं कुछ भी हैं, आप उनसे लड़कर उनसे बाहर निकलना चाहते हैं, तो डेफिनेटली क्या है, आपकी जिंदगी में चमत्कार होगा और उन परिस्थितियों से आप बाहर निकलेंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा, उससे भी ज्यादा आपको भगवान देंगे। लेकिन उसके लिए आपको प्रिपेयर अपने आप को करना पड़ेगा।
ऐसा नहीं है कि आपने कोई लक्ष्य चुन लिया है, आप वो चुन लेते हैं, आपको मिल जाता है, उससे कहीं ज्यादा आपको मिलता है, क्योंकि आप उसके लिए काफी मेहनत कर चुके होते हैं। भगवान भी देखता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये यूनिवर्स देखता है कितनी मेहनत आप कर रहे हैं उसके लिए, तो आपको ये मिलना चाहिए या इससे ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि अपनी कैपेबिलिटी को हम कई बार कम आंकते हैं, लेकिन जो यूनिवर्स है इसका रूल है कि वो देगा उतना जितने के आप काबिल हैं। अगर आपके पास आज कुछ नहीं है तो यूनिवर्स के हिसाब से अभी आप उसके काबिल नहीं हैं, लेकिन अगर आप अपने ऊपर काम करने लग जाते हैं तो उनको लगेगा कि आप उसके काबिल हैं, तो आपको देना भी स्टार्ट कर देगा। वो आपको इतना देगा जितने की आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। तो हमेशा अपने सिर्फ अंदर सुधार लाइए, जो रिजल्ट है, जो आपको परिणाम मिलने हैं, वो यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, यूनिवर्स आपको खुद देगा, तो उसकी चिंता आप मत कीजिए। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।